में तो बहुत एक सारी जैसे ही चीजें है, हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बोतलों में हाँ, यहाँ बोतलों में दूध है, भैंस तो हमने देखी नहीं है, सिर्फ बोतलें देखते हैं। अभी दिखाई नहीं थी मैं, भैंस गाय कृष्णा से पूछ रहा वीडियो में आएगी। क्या बनाई थी तुमने भैंस की? इतनी एक आधी गाय भैंस का बीजा लगवा के यहाँ भेज दे, हम घर में बांध लेंगे। ठीक है, और आपको वो अरे इंसान दिख, इंसान दिखते हैं जो भैंस कुत्ते देखेंगे, कुरियर कर देंगे भैंस को, कुरियर कर देंगे वहां पे, भैंस हाँ, कोरियर कर देना भी ध्यान से, कुरियर, उसका सब कम कुरियर से कर कम देंगे। 15 दिन में भेज देगी, और 15 दिन के तो उन्हें उसके साथ खाने का वो भी डालनी है, घास फूस कभी भी सारी मैं उसी पैसे के भेज साथ, दे। मैं भी उन्हीं के साथ आ जाऊंगा बैठ के, भैंस के साथ भी सफरी। अगर इसने गब्बर कर दिया फिर क्या क्या करेगा? फिर शायद मैं बड़ा ऊपर बैठ, मैं तो उसके साथ आऊंगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि कोई चक्कर ना ले। उसका तो नहीं खैर चलेगा कोई, उसका दूध कौन चेक सकता है? दूध भैंस को चकना तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी। क्या पता आधे रास्ते भैंस भैंस को तो सिर्फ इंडिया में चख सकते हैं जो भैंस चोरी करते हैं, यहाँ तो दूर दूर भागेंगे भैंस को देख के। गाय का गोबर सामने पता और भाग जाते हैं, हाथी आ जाए तो भाग जाते हैं, आपके वहां भैंसे हाँ, भाग जाएंगे। और अगर हमारे घर में भैंस आ गई ना, तो हम तो यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना देंगे पैसे इकट्ठे करने का। हम म्यूजियम, तो हाँ, म्यूजियम हम तो ना एक भैंस को देखने के लिए $100 हमारे घर में, बस हम सोने दिनों दिन अमीर हो जाएंगे। बढ़िया पैसे हाँ, को दे, और एक बढ़िया तो भैंस की दिखाई होगी जैसे, और दूसरा हम शर्त रखेंगे किसी ने जमी बिल्कुल फ्रेश दूध, मोह चल रही हाँ किसी ने सामने, बिल्कुल उंगली लगा फ्रेश दूध दूंगा पीना उसके है ना भैंस सामने, का, उसका कीमत ज्यादा है। उंगली लगा उसके सामने। फिर इतने पैसे का क्या करेंगे हम, अगर इतना पैसा टूरिस्ट प्लेस बन गए? हाँ, हमें क्या पैसे भेज दिया, हमें भेज हाँ, देना, हमने आपको पैसे भेज दिया। गाय जिससे कोई आप नहीं, बिजनेस बनाओगे, इतने बिजनेस में तो करना सपना ही नहीं है, बिजनेस से तो हम भागते हैं जितना हो सकता है। प्लेन में चले गएंगे भैंस को लेके, बोलेंगे हमारा भाई है ये। भाई उस नहीं, लेग से वो भाई तो भैंस नहीं जचेगा, भाई नहीं जचेगा, कोई और रिश्ता बनाना ठीक पड़ेगा है, तो तुझे। मैं करता हूँ, सीट टूट जाएगी हाँ, एरोप्लेन एक बात बता, की। अगर एरोप्लेन में भैंस बैठ गई तो एरोप्लेन उड़ेगा ही नहीं। और बंदों को उड़ा देंगे भैंस, नहीं, भैंस को तो कोई पानी समुद्री इलाकों से भेजना पड़ेगा। बोट से आएगी, हम डोंकी लगवाएंगे डोंकी वो, बजवाएंगे, डोंकी डोंकी से आएगी भैंस, उसको पुलिस पकड़ के भी क्या ही करेगी। डोंकी से इंसान तो बड़े होके पहुंचते हैं, तो भैंस लेके पहुंचेगा। भैंस तो आ गई ना, तो क्या जा रहे हैं, पुलिस वाले क्या ही करेंगे पकड़ के, भैंस तो मैं भी चल दूध एक के काम कर, एरोप्लेन ध्रुव कह रहा है भैंस का वजन ज्यादा है, बछड़ा चल भी जाएगा।
उसका पालन ठीक पोषण कर लेंगे हम। भैंस तो मरी नहीं, बछड़ा हो हाँ जाएगा, हाँ बछड़ी आएगी, बछड़ी भैंस हाँ बछड़ी। आपका एंटीक हाउस बना देंगे। हाँ बस हमें डर रहेगा कभी भैंस आए और हम ना घर से बाहर निकल ले। फिर उसका रेंट कितना आएगा घर में, जब हम इतना इतना सौ देते हैं डॉलर उसका रेंट कौन भरेगा? तो उसका मैं आपको पैसे भी बचा रहा हूँ, उसका मालिक भरेगा। उसका